भाई साहब क्या रोड है यार, यहाँ तो पता है बस क्या करने का मन करता है। वहाँ की आपको बताइए, इंतजार सिर्फ एक चीज का कर रहे हैं, कब अयोध्या नगरी में प्रवेश करेंगे। बड़े हाईवे हचाके में हाईवे हचाका भाई, अयोध्या आके तो बोलना पड़ेगा फिर लाओ जर्नी इज जस्ट वाओ, क्या बात है। अगर आप लोग अयोध्या आने का सोच रहे हो ना, तो इससे अच्छा कोई समय नहीं है, जितनी जल्दी हो सकता उतनी जल्दी आ जाओ। राम सिर्फ दो अक्षर का नाम, लेकिन इसमें समाए हैं सारे धाम, जिनके नाम मात्र से ही बन जाते हैं बिगड़े काम। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम, लेकिन सिर्फ राम नाम नहीं कहना है, हमेशा मर्यादा में रहना है, गलत न करना है और न सहना है, और समय कितना भी कठिन हो हमेशा सच के साथ ही रहना है। कुछ दिन ज़िंदगी में ऐसे होते हैं ना, मतलब जो कभी दोबारा नहीं आते, मतलब कुछ ओकेजन्स उपलक्ष ऐसे होते हैं ना जो हमें मतलब एक बार ही ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसा ही समझ लो आज का दिन है, और आज अपन चल रहे हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। मैप ऑलरेडी सेट कर रखा है, 10 घंटे 10 मिनट लगने वाले हैं, टाइम हो रहा है सुबह एग्जैक्ट 6:15। वैसे तो मैं रात में ही निकल जाता, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था घर पे, लेकिन बहुत फॉग रहता है ना, तो इसलिए अभी निकले ताकि ज़्यादा फॉग ना झेलना पड़े। वेल हैव यू गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस विल बी फाइन। तो भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं राइड, पहुँचते हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या और आपको भी दर्शन करवाएंगे मस्त मस्त। अभी मंदिर बस खुला ही है, पहला दूसरा दिन है तो बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ है, बट मज़ा आएगा यार, वही तो माहौल देखना है कि कैसा मतलब क्या है। इतना दिल में इतनी क्या बोलते हैं उत्सुकता है ना कि रहा नहीं जा रहा, तो मतलब जल्दी से चलते हैं, बाइक पे आपसे बातें करेंगे। और हाँ एक रिक्वेस्ट है, अगर यार वीडियो अच्छा लगे पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और हाँ अपने चैनल का मेंबरशिप प्रोग्राम भी ऑन हो गया है तो उसको भी जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, बाकी डिटेल्स आपको रास्ते में मिलेंगे। ये वाली जैकेट पहन ले बस राइडिंग जैकेट के ऊपर। तो भाई आज की राइड की शुरुआत प्रभु श्री राम के नाम के साथ, जय सिया राम। ओ भाई इतनी खुशी है ना दिल में, आपको बता नहीं सकते, एक्सेसिव। ट्रिप मीटर ए बी दोनों 0 कर लिए हैं, टोटल जो किलोमीटर्स होने वाले हैं आज के वो हैं 677, और भाई फुल मजे आने वाले हैं। तो भाई और बताओ मौज चल रही है कि नहीं चल रही भाई लोग, मौज पूरी चलती रहनी चाहिए भैया, और अयोध्या नगरी के लिए बोलना तो पड़ेगा टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। भाई क्या अंधेरा है, लकीली आज फॉग कम है, कल तो सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा फॉग था, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन ये तो शहर का हाल है ना भाई, हाईवे पे भी गेम होगा। मेरे को ना रात 12 बजे से नींद नहीं आ रही यार, मैं जगह बैठा हूँ। भाई इस राइड में बहुत सारे सरप्राइज हैं, अपन अयोध्या चलेंगे दर्शन करेंगे और उसके बाद क्या है वो आगे चल के धीरे धीरे बताएंगे। और इस बार अपन सोलो हैं, विनय का तो आपको पता ही है, विनय का तो एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लग गई तो वो तो नहीं आ सकता, सीजे भाई और जीशान भाई भी अभी ऑफिस में बिजी हैं, छुट्टी लेना थोड़ा मुश्किल था, तो अपन अकेले ही हैं, बट क्या दिक्कत है आप तो हैं साथ में, है ना। अकेले हैं तो क्या गम है। देखो लोगों को तो हर रोज कुछ कहना है, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी धुन में ही रहना है, क्योंकि वो कहते हैं ना जिसे आज जमाना सता रहा वही है कल का सितारा। लो भाई दिल्ली क्रॉस, नोएडा क्रॉस, ग्रेटर नोएडा क्रॉस, अब आ गए हैं अपन, डेंस फॉग अहेड, देख रहे हो क्या लिखा है, यमुना एक्सप्रेस वे पे, और यहाँ आते ही भाई कोहरा तो आ गया, ये तो बात है, और दिल खुश भी हो गया, और मैं तो रास्ता भूला जा रहा था, आगे ग्रेटर नोएडा जा रहा था, एकदम से मैंने देखा यार यमुना एक्सप्रेस वे आ गया अपना, पता नहीं इस एक्सप्रेस वे पे क्या है, जैसे ही इस पे आओ भाई साहब एकदम से धुंध का गुबार छा जाता है, ये देखो ऊपर जो लाइटें हैं कितनी स्लो स्लो जल रही हैं, दिख रही हैं। यो यो यमुना एक्सप्रेस वे, क्या बात है, लो जी यहाँ से स्टार्ट हो गया, इतनी खुशी और ऊर्जा है ना इस बार अंदर, मतलब क्या बताऊँगा आपको यार। ये तो मानना पड़ेगा, अभी भगवान के धाम जा रहे हो ना, ओ भाई अलग ही मज़ा आता है।
खैर मैंने उम्मीद से ज़्यादा फॉग नहीं है, मैंने सोचा था कि फॉग होगा बट उतना नहीं है। ठीक है आराम से अपन चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भैया मौज पूरी चल रही है, देखो और कुछ चले ना चले, है ना। मथुरा 125, आगरा 184, तो भाई अभी तो ये एक्सप्रेस वे सीधा ही है आगरा तक का, तो अपने को बस एक काम करना है, अपन अभी आगे रुकेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेंगे थोड़ा सा, फिर निकलेंगे आगे ना। आगे मौसम धुंधला है, धीरे चलें सुरक्षित पहुँचे। ओके सर। लो जी सर 94 पे लगा दिया क्रूज कंट्रोल, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। अरे यार हीटेड ग्रिप्स लगा के रखी थी इसमें, हाथ पर चिपका के रखने, बिल्कुल छोड़ते नहीं है। अरे मैं कहूँ कोहरे की बात चल रही थी, और कोहरा ना ऐसा हो सकता है? जितनी गाड़ियाँ जा रही थी ना सबकी स्पीड घट गई एकदम से, सब 90-100 चल रही थी, सब 60-70 पे आ गई। ओ भाई अब आया कोहरा अच्छा वाला। यही कहीं एग्जिट है, कहाँ भाई दिख ही नहीं रहा। हाँ ये आया, ये देखो साइन दिखा कि यहाँ से एग्जिट है, मिल तो गया। मेरे को लग रहा था कहीं खो ना जाए हम लोग। ओ भाई साहब यहाँ तो माहौल काफ़ी कड़क हो रखा है, इसका मतलब आगे बहुत ही जहरीला फॉग है। तो भाई 95 किलोमीटर अपने पूरे हो गए। बहुत तेज ठंड है भाई, पूरा देखो ये भीग गया। पानी पानी हो गया सब हर चीज़ में, जैकेट भी भीग गई यार देख रहे हो। अरे यार ये दिक्कत होती फॉग में, फॉग के बीच में नाश्ता करने का प्लान किया पप्पू जी के ठेले पे। क्या गजब की ठंड है, मतलब गजब की ठंड जिसको बोलते हैं, ठंड को घमंड है बट क्या करें, हमारा भी जो श्रद्धा है वो अखंड है। तब तक डोसा अपना बन रहा है, तब तक अपन क्या करते हैं बाइक साफ कर लेते हैं, काम ऐसे जल्दी जल्दी करना पड़ता है भैया, इतने तो टाइम नहीं मिलता। फिर विंडशीट भी साफ करनी है बस, और डोसा भाई अपन ने मंगाया एक परौंठा एक डोसा, दबा के खा लेंगे सुबह के अगले 2-3 घंटे भूख ना लगे ना, काम बिल्कुल फिट रखना है। आज का जो हमारा रास्ता है ना मोस्टली एक्सप्रेसवे ही है, अभी अपन आगरा एक्सप्रेसवे चल रहे हैं, आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, उसके बाद अपन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे चलेंगे टिल लखनऊ, फिर लखनऊ के बाद जो अयोध्या का रास्ता है वो हाईवे, वो ज़्यादा बचता नहीं है, लगभग आई थिंक 100 किलोमीटर ही होगा जो हाईवे पे चलना है, बाकी पूरा एक्सप्रेसवे है। तो एक्सप्रेसवे में मज़ा तो आता है बट थोड़ा बोरिंग होता है ये चीज़ें। ठीक अभी ड्रोन उड़ाने की कोशिश करी, ऐसा फॉग था एक तो कुछ दिखा ही नहीं है ऊपर से, मेरे को लगा फॉग के ऊपर से बढ़िया व्यू लेंगे, फॉग बहुत ऊपर भाई 150 मीटर तक फॉग ही फॉग है। मैं आपको बता देता हूँ यमुना एक्सप्रेसवे और इसके बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे और उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 3 इंडिया में ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जिन पर टोल लगता है भाई बाइक का भी। ठीक है भाई लेन कहाँ बस ये दिख गया मेरे को, भैया जी आगरा तक का दे दो। पेटीएम वगैरह चलता है? चाय वाय मिल जाए तो भाई चाय पी लो, ठंडी लग रही है। तो हट गए क्या ठेले वेले जो यहाँ पे लगा करते थे, तो देख लेते हैं 150 किलोमीटर से ज़्यादा चला ली मैंने बाइक। ओ भाई चाय मिल जाएगी, चाय एक चाय दे दो यार ले जाओ। ये देखो वाइजर में पानी की हालत देखो आप, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई, चलो चाय ले आते हैं भैया। पहले सब दुकानें आगे लगा करती थी, भैया एक चाय दे दो यार बढ़िया कड़क। किधर से आ रही है गाड़ी अपनी? अभी गाड़ी आ रही गुड़गांव से। गुड़गांव से जी। बड़ी चाय कुल्हड़ में दो चाय। हाँ यार थोड़ा बड़ी चाय दो यार, इतने चुन हाँ हाँ कुल्हड़ में दिलवा दूंगा। हाँ हाँ इतनी तो गले में खत्म हो जाएगी जितनी ठंड लग रही मेरे को। तो चाय ले ली भाई अपन ने, हेलमेट उतारेंगे तब तो पी पाएंगे। इतनी ठंड भाई साहब हाथों की जो है कुल्फी जम गई। हाल फिलहाल में इतनी ठंड नहीं झेली यार, 2 कप चाय लेके आया हूँ मैं, दोनों कप पीते हैं फिर निकलते हैं। अभी भी अयोध्या काफ़ी दूर है और 80 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पेट्रोल भरा लेंगे चल के पहले, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ेगी। कितना भी जैकेट पहन लो, अंदर राइडिंग जैकेट पहनी, ऊपर -10 डिग्री की जैकेट पहनी, बट वो गीली हो गई ना तो थोड़ा थोड़ा ठंडा फील हो रहा है। तो गाइज यार अभी अपने चैनल की जो मेंबरशिप है वो ऑलरेडी मैंने ऑन कर दी है, बहुत सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके क्लिक करो और ज्वाइन बटन पर क्लिक करो, वहाँ पर एक वीडियो है जिसमें सारे जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल की जो मेंबरशिप है उसको प्लीज़ आप ज्वाइन करो, उससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और मैं और अच्छे वीडियोज़ बना पाऊँगा, अच्छे फर्दर और अच्छे से इस साल प्लानिंग कर पाऊँगा, तो प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन करो। अरे क्या बात है, एक और राइडर भाई मिल गए अपने,
अरे कितना अच्छा लगा यार इस पानी साफ करके यार, कसम से। अब धुंध छट जाए यार तो मजा आए थोड़ा। ओ भाई, भाई भी दिल्ली से कहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा फॉग कम तो हुआ है एंड मेरे को लग रहा है कि 12 एक बजे तक धूप आ जाएगी, ऐसा लग तो रहा है, बाकी देखते हैं। बाकी आपको बताइए, इंतजार सिर्फ एक चीज का कर रहे हैं, कब अयोध्या नगरी में प्रवेश करेंगे, कब जाके देखने मिलेगा क्या चमकती हुई अपनी अयोध्या। सुना है बहुत ही ज्यादा जगमग जगमग हो रही है, तो देखें तो जाके जरा क्या है। लेकिन भाई एक चीज का मैं आप लोगों को बताऊं, इस समय अयोध्या में होटल्स और जो गेस्ट हाउसेस वगैरह ना बहुत महंगे हो रखे हैं भाई। मतलब नॉर्मली सोचो जो रूम 2-3 हज़ार रुपए का मिलता है, वो इस समय 8,000, 9,000, 10,000 का मिल रहा है। और थोड़ा अच्छा रूम देखोगे तो भाई साहब और महंगा। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो ये चीज़ दिमाग में रखना, तो अगर थोड़ा सा रुक के आओगे तो वो चीज़ सही हो जाएगी, कम हो जाएंगी प्राइसेस। पेट्रोल पम्प 2 किलोमीटर अहेड पेट्रोल की जरूरत थी भैया, 94 किलोमीटर की रेंज में चाहिए सिर्फ और सिर्फ। थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई यार, बहुत बढ़िया लग रहा है, जिसको बोलते हैं दिल खुश हो गया। ठंडी अचानक से कम हुई, टेम्परेचर 10 से हो गया 13, बस 13 शुरू करते हुए अपन चलेंगे। नॉर्मल है, नॉर्मल, हाँ नॉर्मल भर दो भाई, भर फुल कर दो बिल्कुल। 0 सर। ये है भैया 10 लाख रुपए की। 10 लाख? 10 लाख की गाड़ी ले ले तो मैं आराम तो कर रहा हूँ। सही बात है, जहाँ मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं भाई। इसका जवाब है नहीं भैया हमारे पास। बस भर गया ऊपर तक। हाँ भर गया, भर गया। ये सामान मान है 1873। लो भाई साहब पेट्रोल हो गया फुल, अपन भी हो गया बिल्कुल चकाचक। अब सीधा चलते हैं, मस्त मौसम साफ बिल्कुल। अब पेट्रोल भराने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अब सीधा अपन अयोध्या पहुँचेंगे, फुल मजे आएंगे। और बताओ भाई लोग, अब साफ साफ दिखा मौज चल रही कि नहीं चल रही है भाई? अपनी अयोध्या नगरी के लिए बोलना तो पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। अब ये कि अब बाइक चलाते चलाते एंजॉय भी कर रहा हूँ मैं। अभी तक क्या था, बाइक तो चलानी थी यार, मजबूरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा डर रहता है। बट अभी क्या, मौसम साफ है तो कोई टेंशन ही नहीं है, अपन बिल्कुल रॉकेट की तरह चलेंगे, है ना। ड्रोन उड़ा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पूरा टाइम खराब कर लिया। ऐसा ही होता है व्लॉगिंग में, टाइम बहुत जाता है। आपके लिए बढ़िया सिनेमैटिक्स लेने रहते हैं ताकि आपको मज़ा आए, एंटरटेनमेंट मिलता रहे। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना यार, है ना चैनल। और हाँ सबसे जरूरी चीज़ भाई, मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करना। बहुत थोड़ी सी नॉमिनल सी फीस रखी मैंने, तो देखो मैं तो सीधा बोलता हूँ यार, अगर आप लोग मेंबरशिप में सपोर्ट दे दोगे तो मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लूँगा। मतलब थोड़ा ना मिसलीडिंग टाइप की होती है, और अगर नहीं मिला, नहीं मेंबरशिप उतनी अच्छी आई तो फिर मेरे सामने कोई रास्ता नहीं रहेगा। फिर तो स्पॉन्सरशिप उठानी ही पड़ेगी। कर लोगे अगर तो मेरी हेल्प हो जाएगी, नहीं करोगे तो अपन वीडियोस तो डाल ही रहे हैं आपके लिए। 985 लखनऊ 202। अरे भाई चप लखनऊ बहुत दूर है, अभी भी हमारा डेस्टिनेशन इज 339। और हमारी बाइक में माइलेज कितना है अभी, कितना चल रहा है, 386। अरे काम हो जाएगा।
भाई साहब क्या रोड है यार, यहाँ तो पता है बस क्या करने का मन करता है। अब तो क्या विजिबिलिटी है, मेरे को लग रहा है लखनऊ ना दिख जाए कहीं यहीं से। अभी तो बहुत दूर है, 155 किलोमीटर है भाई। मैं समझ ही नहीं आता एक दिन में दो ऐसे मौसम कैसे हो सकते हैं। अभी से जस्ट दो तीन घंटे पहले सड़क पर देखना मुश्किल हो जा रहा था, अभी देखो ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं, बिल्कुल मक्खन मलाई। आप में से भी बहुत सारे लोगों का मन होगा ना कि मतलब यहाँ आए, जो अपन जो नया मंदिर अपना खुला है और आके यहाँ दर्शन करें। बहुत सारे लोग जॉब की वजह से, काम की वजह से, ठंड की वजह से नहीं आ पाते हैं। तो भाई अपन कोशिश करेंगे कि अगर वहाँ तक अलाउड हुआ, जितना अलाउड हुआ वहाँ तक अपन कैमरा ले जाके आपको दर्शन करवा दें। तो भाई स्टेटस ये है, अपन 426 किलोमीटर बाइक ऑलरेडी चला चुके हैं, 1:15 बज रहा है और अभी भी अयोध्या है 255 किलोमीटर दूर यहाँ से। और ये जगह जहाँ से अपन निकल रहे हैं, इस जगह का नाम है कन्नौज। थोड़ा सा अपन रेस्ट मारते हैं जरा, है ना। थक गए यार बाइक चला चला के यार, इतना बोरिंग एक्सप्रेस वे है ये, क्या बताएं गुरु। चलो कुछ खाएं गुरु, फूड किंग प्लाजा, यहाँ खाना भी सारा बेकार ही मिलता है। एक दुकान है, यहाँ चल लेते हैं, चाय स्नैक्स खा लेते हैं, नहीं लेट हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे, हल्का फुल्का है ना। बड़ा बढ़िया ताज़ा ताज़ा खाना बन रहा था, मैंने कहा खाना ही खा लेते हैं ना। बढ़िया रोटी दाल सब्जी मिल गई, चाय आ गई भाई, अपनी चाय आ गई। धूप में आके इतना अच्छा लग रहा है यार, क्या बताएं, मतलब बहुत तेज़ ठंड है यार, मज़ा सा आ रहा है। थोड़ा धूप सेकते हैं क्योंकि ज़्यादा देर रहेगी नहीं, 4 बजे धूप भी ख़त्म हो जानी है। बस अब यहाँ चाय पीते हैं, उसके बाद सीधा निकलेंगे, लखनऊ क्रॉस करेंगे बिना रुके। अच्छा रहा यहाँ खाना खा लिया ना, अब लखनऊ में रुकना पड़ेगा, नहीं तो यार लखनऊ में रुकना पड़ता आसपास। अगर मज़े पूरे आ रहे भाई, जब माहौल है हर कोई आ रहा है यहाँ पे, वो भैया सब मंदिर जा रहे हैं, भयंकर फिर मानना पड़ेगा, पेट भरा तो भाई साहब दिल खुश हो गया। देख रहे लोग आधी रोड तक तो खड़े हैं जिनको लिफ्ट लेनी है। लोगों का रिस्क लेवल काफ़ी बढ़ गया भाई, ये तो मानना पड़ेगा। चेंज कर लिए लखनऊ के अंदर भाई साहब, अभी ट्रैफिक लगेगा ना तो विंटर ग्लव्स ना गर्मी में हाथ उबाल देंगे मेरे। ये देखो जितने ट्रक्स आपको दिख रहे हैं ना, इन सबको लखनऊ में घुसना है, बट अभी ये घुस नहीं पाएंगे, रात में ही जाएंगे। तो अभी बेचारे ट्रक वालों की लाइफ यार टफ तो होती है, अभी बेचारे रात तक इंतजार करेंगे फिर ये निकलेंगे, तो सोचो अभी शाम से कितनी ठंड होने लगती है यहाँ पे। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, वाह जी वाह, बिल्कुल मुस्कुराते हुए ही क्रॉस करेंगे अयोध्या। 153 किलोमीटर, हाँ काफ़ी दूर है भाई, 153। पिछली बार जब आया था ना तब नेपाल जा रहा था इस रोड पे, ओ भाई साहब रह रह के बारिश। क्या ट्रिप थी यार नेपाल की, और नेपाल याद है मेरे को रात में निकले थे इस रोड से। नेपाल यार फिर से आना, बहुत जल्दी आएंगे यार नेपाल, मस्त जगह है। तो अपना जो रह गया था ना, क्या रह गया था, मुस्टैंग, वो भी पूरा करेंगे अपन। गजब भीड़ है भाई, गजब भीड़ है अयोध्या रोड पे, क्रॉस करते करते थक गए, अभी तो लखनऊ ही नहीं क्रॉस हुआ यार, बैंड बज गई इतनी देर में भाई। पोस्टर बैनर रोड तो जो है ना पूरी पटी पड़ी है, एक सेकंड का भी आप गैप नहीं लोगे, एक नया बैनर आ जाएगा, एक नया पोस्टर आ जाएगा, भाई साहब गजब का इंतजाम किया है सब। तो ये है NH 27 जो कि जाता है लखनऊ से गोरखपुर की तरफ। सारे नए नए ढाबे खुल गए ना भाई साहब, डेवलपमेंट हो रहा है इस रोड पे भयंकर तरीके से। ऑब्वियस इतने सारे टूरिस्ट आएंगे, इतने सारे पिलग्रिम्स आएंगे, तो उनके लिए इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। बस अब 96 किलोमीटर रह गया है अयोध्या, दूर है यार, 583 किलोमीटर चला चुके हैं हम लोग। इन रोडों पे यार मज़ा आता है, सही बता रहा है। देखो साइड में दुकानें दिख रही हैं, लोग दिख रहे हैं, थोड़ी भीड़ दिख रही है, कहीं मन हो रुक के चाय पी लो, कहीं मन हो रुक के बतिया लो किसी से। भाई साहब हाथ हो गए फ्रीज, स्टैंड पे लगाते हैं और ग्लव्स बदलते हैं। ओ भाई रोड तो बढ़िया है यार ये, अब शकून मिला शकून। अरे भैया गुटखा थूक दिया अंकल जी ने। रोड चलते भाई साहब गुटखा थूक देते हैं लोग, थोड़ा और थूक देते मेरे ऊपर गिरता आगे पूरा यूपी में। अगर कोई गाड़ी आपसे आगे जा रही है, बचपन से देखते आ रहे हैं हम लोग, और अगर उसने दरवाज़ा कोई खोल दिया तो समझ लो उसमें कोई गुटखा थूकने वाला है, 99% यही होगा। भाई साहब कितने जलपान गृह खुल गए और कितने लोग हैं उस पर, ये देखो, और सब ने जिस दिन वो हुई ना प्राण प्रतिष्ठा, सब ने उस दिन अपना बिल्कुल ऐसा लग रहा है उद्घाटन किया है फिर से दुकान का। सर बड़े बड़े हाईवे हचाकी में
हाईवे हचाका पूरा एकदम हचाका क्या होता है ये तो बताओ पहले। हाईवे पोजीशन बड़ा है, बड़ा है और अन्य के अपेक्षा इसमें फैसिलिटियां बहुत है। हाँ फैसिलिटियां तो बहुत है इसमें, सही बोल रहे हो। किस कंपनी की है ये? है सर जी BMW की। BMW? हाँ BMW जो निकाला है फोर व्हीलर। हाँ बस 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 सही बोला आपने बिल्कुल भाई। अब सिर्फ 32 किलोमीटर रह गए अपना अयोध्या धाम भाई पहुँचने वाले हैं। अब इस रोड में ऐसा कुछ है नहीं दिखाने के लिए तो मैंने सोचा क्या ही दिखाऊँ आपको। बस 45 मिनट सोचो कब लखनऊ से पहले जहाँ हम रुके थे वहाँ से अभी तक हमने ब्रेक ही नहीं लिया, सीधा आ गया मैं नॉन स्टॉप क्योंकि ब्लॉग तो असली तब स्टार्ट होगा जब अपन पहुँचेंगे अयोध्या। अभी तो बस चल रहे हैं, रास्ता है तो दिखा रहे हैं। होटल खुल गए यहाँ पे जो भैया पंची लग्जरी। भाई फाइनली अपन पहुंच गए अपने रूम पे और रूम पे आते ही पता चला कि घाट पे ना आरती होने वाली जो सरयू घाट है ना 6:30 बजे आरती वहां स्टार्ट होती है। अभी एग्जैक्ट टाइम हो गया है 6:24 तो बस समझो आए कपड़े उतारे मुंह धुला बस फिर चल रहा है ठीक है क्योंकि यही तो देखने आए तो जल्दी से चलते हैं आरती अटेंड करते हैं। वहाँ पैदल जाना है 1 किलोमीटर दूर है लगभग, पैदल चलना पड़ेगा। ये देखिए भाई साहब क्या बढ़िया तैयारी हो रखी है पूरी खतरनाक फुल फुल माहौल है। अभी अपन चल रहे हैं सरयू घाट, ये देख रहे हो तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये लता मंगेशकर जी के ऊपर बना है जो है कितना प्यारा लग रहा है। ये चौक देख रहे हो बहुत ही सही यार, ये इतने दिनों से मैं टीवी पे देख रहा था आज असलियत में देख के मजा आ गया कसम से, बहुत ही बढ़िया है यार मस्त। अभी भैया ने बताया, इन भैया ने इनका भी एक चैनल है, ये जो है 40 फीट लंबी है ये जो ये है और 8 टन इसका वजन है और बहुत कॉस्टली है मतलब 7-8 करोड़ रुपये में बनी है। तो अभी क्या है आरती तो यार आई थिंक हो गई, माहौल देख लो आप आरती अभी पूरी हो गई है तो चल के देख लेते हैं घाट पे अभी क्या हो रहा है, बाकी फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी फन फुल है भाई यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है यार ये आप देख पा रहे हो ये है सरयू घाट, माता सरयू का घाट है भाई, काफी प्यारी जगह है भाई मजा आ रहा है। वहाँ अगर आप देखोगे ना वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है राम जी के कीर्तन और आरती वगैरह चल रही है। और ये देखो भाई ये है सरयू घाट, क्या प्यारा लग रहा है भाई साहब है ना। आ जाओ नीचे चलते हैं नीचे से दिखाते हैं आपको। लो जी अब आप देख लो ये है सरयू घाट जहाँ पे आरती होती है, आरती भी हो गई तो छूट गए हम लोग की। और ये देखो ये पूरा ना LED से वो चल रहा है, लाइट से लेजर प्रोजेक्शन, ये देखो ये मशीनें हैं जिनसे निकल रही है बीम उस पर जा रही है देख रहे हो, बहुत ही प्यारा सीन है भाई साहब बहुत ही प्यारा। देखो ज़्यादा की इच्छा रखना बुरा नहीं है लेकिन जो है उसे कम नहीं समझना है क्योंकि एक बात साफ है कोई कितना भी अमीर हो जाए किसी न किसी चीज़ से हमेशा फकीर ही रहता है। Thank you.
मार्केट है भाई, देख रहे हो खाने पीने का इतना इंतजाम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, फुल फुल भाई। ये आप देख रहे हो, ये जो है यहाँ से पूरा बन गया है, आपको दिखाते हैं। ये प्रभु श्री राम का स्तंभ है, देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं श्री राम स्तंभ, ठीक है। और वो जो आपको दिख रहा है गेट, देख रहे हो, अरे भैया थोड़ा तो हटा दो यार, ब्लॉगिंग कर रहा है। तो भाई ये जो है अयोध्या की आप ऑफिशियल एंट्री बोल सकते हो, यहाँ से एंटर होते हो आप। ये है सूर्य स्तंभ, सूर्य स्तंभ। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं धर्मपथ, और ये आपको ले जाता है लता मंगेशकर चौक के लिए। और ये इन्फॉर्मेशन सब मिश्रा जी ने दी है हमें। मिश्रा जी जो है, देखो ऐसा होता है ना, भगवान को जब हेल्प करना होता है तो भगवान ने मेरे को मिश्रा जी भेज दिए है ना, हेल्पिंग हैंड, मस्त ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं सब कुछ। बढ़िया सुंदर रास्ता है यार, मजा आ गया सबसे। और इन्हीं की बाइक पे घूम रहे थे। देख लो भाई साहब, आप लोग देख लो, ये है धर्मपथ, कितना प्यारा दिख रहा है। और ये देखो साइड में ना पेंटिंग्स लगी हैं, भी आपको दिखाते हैं। ये देखो ये सब 3D पेंटिंग्स हैं पूरी, देख रहे हो आप, क्या बात। और भाई अयोध्या आके तो बोलना पड़ेगा, इन लो जर्नी इज जस्ट वाओ, क्या बात है। देखो भी हेलमेट नहीं पहन रखे यार, स्लो स्लो चला रहे हैं ना, तो उसके लिए माफी है क्योंकि हेलमेट था नहीं मेरे पास, पर यार ये मौका कोई गवाना नहीं चाहेगा है ना, बहुत ही सुंदर। ये देखो आप पेड़ों में भी झुमके लग रखे हैं भाई साहब, क्या बात है। और भाई और अयोध्या में आपको सर्दी लग रही हो ना, तो ये देखो हीटर का भी इंतजाम है भैया, नीचे से हर जगह जगह पे, क्या बात है यार, मस्त एकदम गर्म कर दिया यार इसने। इंतजाम तो किया यार, सिलेंडर किया। ये दिल्ली में ना वहाँ रेस्टोरेंट में मिलता है जनरली, बहुत बढ़िया यार। तो भाई अगर आप लोग अयोध्या आने का सोच रहे हो ना, तो इससे अच्छा कोई समय नहीं है, जितनी जल्दी हो सकता उतनी जल्दी आ जाओ। जो माहौल है ना भाई यहाँ पे, दिल खुश हो जाएगा आपका, मतलब सारा कुछ ना भक्तिमय राममय हो रखा है, एक एक चीज बहुत ही प्यारा हो रखा है। तो जल्दी जल्दी घूम जाओ, बाद में हो सकता है इतना अच्छा माहौल ना मिले, मतलब है ना अभी बिल्कुल जबरदस्त, फ्री में खाना, फ्री में चाय, पैसे नहीं है, पैसे की जरूरत ही नहीं है, पूरा सब कुछ फ्री मिल रहा है बिल्कुल, बस आ जाओ दर्शन करके जाओ, है ना। ये अपना गेस्ट हाउस है, देखो वाह गेस्ट हाउस देख रहे हो, आजकल गेस्ट हाउस 5,000 रुपए ले रहे हैं एक दिन की। बाइक अपन ने यहाँ पार्क कर दी, इसको लॉक कर देते हैं बस यार। अभी अपन लोग वापस आ गए, मजा आ गया कसम से, अयोध्या यार इतना बढ़िया हो रखा है ना, मतलब मैं फिर बोलूँगा कि आप लोग ना आ जाओ, अगर आना है तो। मैं आके थोड़ी देर सो भी गया, आके सो गया, थक गया था यार, सुबह निकला था दिल्ली से, फिर अभी उठा। तो मंदिर के जो दर्शन है वो अपन कल सुबह करेंगे, सुबह मैंने 6:30 का जो है ना आरती का पास है मेरे पास, मैंने ले लिया था। सारा प्रोसीजर भी बताऊँगा कैसे पास लेना है, क्या करना है, क्या तरीका है। तो सुबह सुबह कल चलेंगे मंदिर, दर्शन करेंगे भगवान श्री राम के, और उसके बाद जो है और वहाँ जो आसपास की चीज़ें वहाँ मस्त घूमेंगे। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एंजॉय करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और हाँ मेंबरशिप भी ज्वाइन करना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।